Advisor in Business from Jodh to Assistant Professor of Mathematics at the end of the Mila Mahavidyalaya Kurukshetra. Aaj hum start karenge calculus ki book ka third chapter, some general theorems on differentiable functions and expansions. इस चैप्टर में हम अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को रिकॉल करेंगे जो हमने प्लस टू में पढ़े थे, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम. According to Rolle's theorem, the function f of x is continuous on closed interval ab and is differentiable on open interval ab, and if f of a is equal to f of b, then there exists at least one number c belongs to open interval ab such that f dash c is equal to 0. Agar function f of x in continuous satisfy karta hai ki continuous and closed interval ab pe differentiable hai open interval ab pe, aur function ki value first point aur end point pe f of a is equal to f of b hota hai, to ek point c exist karega jo open interval a aur b mein nahi karega such that f dash c will be equal to 0. Lagrange's theorem mein पहली दो कंडीशन सेम है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पर, जैसे इस क्लोज इंटरवल में a टू a प्लस h दिया था, पहले वाले में क्लोज इंटरवल a टू b दिया है, अगर क्लोज इंटरवल a टू a प्लस h कंसीडर करें तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट f of a plus h is equal to f of a plus h, f dash a plus theta h. तो ये दो जो conditions हैं, जो हमारे दो theorems हैं, इनको हम next theorems में हम use करेंगे. जो हमारा ये chapter है, इसमें हम general theorems करेंगे और differentiable function and exponential, यानी कि हम जो कोई function दिए होंगे उनकी exponentials को find out करेंगे by using some theorems. जैसे हमारे main से हमने चार theorems कर लिए हैं, जो आज हमारी first theorem है, हम वहाँ से start करेंगे. पहली theorem है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार ये थ्योरम का आर्टिकल ही एज के एग्जाम में आ जाता है और कई बार इस आर्टिकल के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम थ्योरम भी करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे. जो थ्योरम है वो है टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स. तो टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इसके हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सच दैट, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ एन माइनस 1 एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a टू a+h, यानी कि जो फंक्शन f of x है वो f of x से लेकर f के n माइनस 1 तक डेरिवेटिव है, वो सारे डेरिवेटिव्स के कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल a टू a+h में. जो फंक्शन का nth डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल a टू a+h में, एंड देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट f of a+h इज इक्वल टू f of a+h एंड dash a plus x के परपेंडिकुलर लैम्डा बाय dash a plus h टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 a प्लस लास्ट ऑफ योर डिफरेंट h टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल f n a plus थीटा h. तो हमें अब ये थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे. स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव से लेकर फंक्शन के n माइनस 1 तक डेरिवेटिव है वो कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू a+h में. जो फंक्शन का nth डेरिवेटिव है वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें एक ऐसा थीटा एग्जिस्ट करवा के दिखाना है जो 0 टू 1 के बीच में लाइन करता हो सो दैट f of a plus h is equal to f of a plus h f dash h के रूट फैक्टोरियल f of a dash n माइनस 1 तक इसी तरह से कंडीशन चलेगी. n माइनस 1 तक ये टर्म्स आएंगे, h की जो पावर है उतनी डिवाइड हो टर्म फैक्टोरियल में आती है और उतने टाइम्स उसका डेरिवेटिव होता है, बट n का टर्म का थोड़ी सी डिफरेंट h रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल s इज f n a plus theta h. हमें लास्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करके दिखानी है, तो इसको प्रूव स्टार्ट करते हैं. जब भी हमें इन चार थ्योरम्स में से जैसे भी कोई प्रूव करना है, सबसे पहले हम उसमें फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स कंसीडर करेंगे. स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमारे स्टेटमेंट में गिवन है, बट हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स अपनी तरफ से एक फंक्शन कंसीडर करेंगे. इस तरह का फंक्शन लेंगे कि एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स के, प्लस ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स के, प्लस ए माइनस एच a plus h minus x whole square by 2 factorial f double dash x, n minus 1 तक टर्म्स हमें इसी तरह से लेनी है, a plus h minus x is to power n minus 1 by n minus 1 factorial f n minus 1 x. जो nth टर्म है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, a plus h minus x raised to the power n by n factorial into a. ये फंक्शन हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस तरह से कंसीडर किया है, वेयर ए इज कांस्टेंट टू बी चूजन सो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच. यानी कि हमने ए कांस्टेंट इस तरह से चूज किया है कि इस कैपिटल एफ ऑफ में अगर हम ए पुट करें या ए प्लस एच पुट करें तो दोनों जो वैल्यूज होंगी वो दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे. तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहा से इस फंक्शन को एफ एक्स को कंसीडर किया है, ये फंक्शन है और हमने क्या फंक्शन कंसीडर किया है, एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स डॉट डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डॉट डैश एक्स एंड सो ऑन एन माइनस 1 तक इसी तरह से चला जाता है.
a plus n minus x raised to the power n by n factorial into a, where a is constant, so that chosen to be so that f of capital F may, agar hum a put kare ho, capital F may, agar a plus h put kare ho, toh dono equal aayenge. Toh starting of is agar is capital F of x may, यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x को पुट कर देंगे एक बार a, फिर हम x को पुट करेंगे a plus h. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब हमने इसमें a पुट किया, x की जगह हमने a पुट किया है, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा. तो फिर जैसे ही हम x को a पुट करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा h f dash x. नेक्स्ट में आ जाएगा h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x. जो सेकंड लास्ट टर्म है उसमें रह जाएगा h x की पावर n, h h की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 x की जगह a. और यहाँ पर x की जगह हम a पुट करेंगे तो h की पावर n बाय n फैक्टोरियल इनटू कैपिटल a. नेक्स्ट टाइम हम x को पुट करेंगे a प्लस h. जब a प्लस h पुट करेंगे, जैसे ही हम x को a प्लस h पुट करेंगे, सेकंड से लेकर आपके सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि x को अगर हम a प्लस h पुट करें, a से कैंसिल हो जाएगा, h से कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, सिर्फ पहली टर्म रह जाएगी स्मॉल f, जिसमें हमने x को क्या पुट कर दिया है, a प्लस h. अब हमने सपोज किया कि हमारा कैपिटल एफ ऑफ a प्लस h के इक्वल है, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन हमने लिखी है, कैपिटल एफ ऑफ a और एफ ऑफ a प्लस h, दोनों इक्वल है. अगर इनके दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वली क्रिएट कर दिया है. तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है. कि f of x f dash x n minus 1 की सारी कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर. तो सबसे पहले हमने ये लिखा है कि f of x f dash x f double dash x f minus 1 x ये कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर. a plus h minus x a plus h minus x का होल स्क्वायर, ये सारे के सारे पॉलीनोमियल्स हैं, और हमें पता है कि जो जितने भी पॉलीनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं. और अगर हम पॉलीनोमियल्स को या कंटीन्यूअस फंक्शन को ऐड करें, सम करें उनका, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा. तो यानी ये हमारे पास जो f ऑफ x है, f डैश x है, f डबल डैश x है, ये सारे के सारे फंक्शन कंटीन्यूअस है. स्टेटमेंट में दे रखे हैं जितने भी पॉलीनोमियल a+h a+h - x a+h - x होल्स के लिए सारे कंटीन्यूअस है. तो उनका अगर हम प्रोडक्ट करें, सम करें, कुछ भी करें, वो फिर से एक कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा. इसका मतलब कैपिटल f x जो है वो हमारा एक कंटीन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a से a. और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां कैपिटल एफ डिफाइन किया था वहां पर हमने लिखा था कैपिटल एफ की वैल्यू ए पर और ए प्लस एच पर इक्वल है. यानी कि कैपिटल एफ जो फंक्शन है उसे रोल्स थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है. फंक्शन कंटीन्यूअस है, डेरिवेबल है ए से ए प्लस एच वाले इंटरवल में, और फंक्शन की फर्स्ट पॉइंट पर वैल्यू और लास्ट पॉइंट पर वैल्यू सेम आ रही है. तो रोल्स थ्योरम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने मान रखा था देयर एग्जिस्ट सी लाइन बिटवीन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच. तो अब यहाँ पर हमने कहा सी की जगह हमने क्या लिया ए प्लस थीटा है, और हमने ये देखना है कि ए प्लस थीटा है जिसके बीच में सी इंटरवल ए से ए प्लस एच के बीच में लाइन करेगा कैसे. थीटा की वैल्यू 0 टू 1 है,
अगर हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई, तीनों को x से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाएगा, जीरो लेस देन थीटा h लेस देन h आ जाएगा। और अगर हम इसमें a ऐड कर देते तो क्या बनेगा, a लेस देन a प्लस थीटा h लेस देन नेक्स्ट स्टेप में, यानी पहले हमने क्या किया x से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में a ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, जीरो लेस देन थीटा h लेस देन h मल्टीप्लाई कर दिया, अब a ऐड कर देंगे, a लेस देन a प्लस थीटा h लेस देन a प्लस h आ जाएगा, तो क्या आ गया, a लेस देन a प्लस थीटा h लेस देन a प्लस h, तो हमने ये ले लिया, ये नेक्स्ट टर्म है हमारी। इसी तरह से जो हमारी लास्ट वाली सेकंड लास्ट टर्म है उसमें भी दो बार जब यू टू यू लगेगा तो दो टर्म वहां से आएंगे, जो सबसे लास्ट वाली टर्म है वहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जहां पर हमारा x था उसकी जगह x को हमने क्या पुट कर देना है, a plus theta h। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो यहां पर हमने देखा ये जो टर्म है कैंसिल हो गया, जैसे कि ये f ने जैसे ये f ने जैसे ये प्लस टर्म है, अब जब इसमें से टू कैंसिल हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों सेम टर्म्स बन जाएंगे, बट एक में प्लस का साइन होगा और एक में माइनस का साइन होगा, ये टर्म यानी कि जितनी भी टर्म्स है ये सारी की सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, जो टर्म बचेगी वो सिर्फ लास्ट टर्म बचेगी जिसमें हमारा रह जाएगा a, और a टर्म हमारी बचेगी जिसमें हमारा होगा f n x, क्योंकि f n x और कहीं पर भी नहीं आया होगा, तो हमारे सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगे, बाकी सारी टर्म्स जो है वो एक एक करके कैंसिल होते जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इन दोनों टर्म्स से जो टर्म में कॉमन नहीं है वो कॉमन नहीं, बाकी हमारा रह गया fnx माइनस a। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे x को a प्लस थीटा h, जब दोनों तरफ हम x को a प्लस थीटा h पुट करेंगे राइट हैंड साइड पर x को a प्लस थीटा h पुट करेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, h माइनस थीटा h रह जाएगा, जिसमें से हम x कॉमन निकाल दिया रह गया 1 माइनस थीटा। ये नेक्स्ट हमारे पास है मैक्लॉरिन थ्योरम, भी इधर ले रहे हैं जो फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, अभी हमने की टेलर थ्योरम भी ले रहे हैं जो फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, नेक्स्ट हम करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम भी ले रहे हैं जो फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। जो हमारी टेलर थ्योरम है उसमें भी इधर ले रहे हैं जो फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, उसमें अगर हम a को जीरो पुट कर दें और f को x पुट कर दें तो स्टेटमेंट बन जाएगी, जैसे वहां पर f a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f प्लस h का डैश एंड सो ऑन, तो f ऑफ वहां पर था a प्लस h, वहां पर हमने a को कर दिया 0 और h को कर दिया x, तो वहां पर बन गया f ऑफ x। राइट हैंड साइड पर जो टर्म थी वैसे ही चेंज हो गई है, तो हमारा जो एक्सपेंशन बनी है वो बनी है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस h f डैश 0 प्लस f के डबल फैक्टोरियल f डैश 0 एंड सो ऑन x पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f n माइनस 1 0 प्लस लास्ट टर्म डिफरेंट x इज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल f n थीटा x, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 1।
तो ये हमारे लिए बैक्लोरियंस थ्योरम इन द वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और अगर हम इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी हो तो हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने टेलर की ली थी कि अगर f of x एक फंक्शन है सो दैट f of x f dash x f double dash x up to f n minus 1 x ये सारे कंटिन्यूअस हैं, उसमें हमने लिया था क्लोज इंटरवल a टू a प्लस x, तो इसमें हमने लिखा क्लोज इंटरवल 0 टू x, और f n x एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू x में, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा सो दैट ये स्टेटमेंट ही लिखी हुई है जो हमने निकल कहा था। तो ये इसकी जो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है क्लोरियंस थ्योरम इन द लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और इसके बाद हम अगली थ्योरम जो करेंगे वो करेंगे टेलर थ्योरम इन कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अभी तक हमने दो थ्योरम किया, पहली है टेलर थ्योरम इन लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, दूसरी का पर्टिकुलर केस है टेलर मैक्लोरियन थ्योरम विद लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की जगह हम करेंगे कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यानी अब हम करेंगे टेलर थ्योरम इन कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड मैक्लोरियन थ्योरम इन कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये थ्योरम भी सेम उन्हीं स्टेप्स पर है, बट ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने दो जो थ्योरम्स किए हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, टेलर थ्योरम इन लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड मैक्लोरियन थ्योरम इन लैग्रेंजियन फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, इन दोनों की स्टेटमेंट भी याद रखनी है क्योंकि ये स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों कर रहे हैं। स्टेटमेंट जो है वो हमें एग्जाम्पल के लिए होगी, और जो ये कंप्लीट प्रूफ है इसका आर्टिकल आ जाता है एग्जाम में, इसका कंप्लीट आर्टिकल हमने डिराइव करके देखा होता है। थैंक यू।